उसमें हम लोगों को वेरियस एक्शन जो है आपको यहाँ दिख रहे हैं उसे लिखना है और वो डिफरेंट पीपर्स कर रहे हैं ठीक है तो एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दिया गया है देखिए क्या दिया गया है ए इज रीडिंग पॉपकॉर्न इस ए को देखिए यहाँ पर जो ए है ये पॉपकॉर्न खा रहा है ठीक है बी ये आपको दिया गया था बी बी कौन क्या करता है तो बी को खोजते हैं बी इज रीडिंग अ बुक बी जो है बुक पढ़ रही है ओके उसके बाद सी को देखते हैं तो सी क्या है सी यहाँ पर है ठीक है सी इज प्लेइंग फुटबॉल मतलब प्लेइंग फुटबॉल सी जो है ये फुटबॉल खेल रहा है उसी प्रकार से डी देखते हैं डी कहाँ है डी इज ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक ओके अब ई e, ई e, ये रहा ई ई इज कैचिंग फिश ई जो है ये फिश को कैच कर रहा है फिश पकड़ रहा है मछलिया पकड़ रहा है अब एफ एफ इज मेकिंग सैंड कैशल अब एफ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये रहा एफ ठीक है सामने में यही है तो एफ जो है सैंड कैशल बना रहा है अब आगे देखते हैं डीड यू नोटिस दैट द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब्स दिटन बाय यू पास ऑन टू देयर ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल द एक्शन देर ऑब्जेक्ट ऑन टू द ऑब्जेक्ट रिसीवर पॉपकॉर्न ईट पॉपकॉर्न सिमिलरली किक फुटबॉल ओके यहाँ पर देखिये रिमेम्बर क्या रखना है वर्ब्स दैट कैरी द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिसीवर आर कॉल ट्रांजेटिव वर्ब्स अब वर्कशीट टू रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है मानव निक्की एंड रुचि वेंट फॉर शॉपिंग लास्ट संडे मानव सॉ और टॉय शॉप इन द मार्केट द शॉपकीपर है डिस्प्लेड वेरियस टॉयज इन द रैक्स मानव लाइक अ स्मॉल टॉय कार रुचि बाउट इट फॉर हिम ही ओपन द बॉक्स एग्जामिन द कार केयरफुली He put the car in his bag and discarded the box. While returning, he drank fruit juice and ate his favorite ice cream. He enjoyed the outing a lot. Complete the table given below by filling, the, filling in the subject, doer, and the object receiver of the action for, of, of the action of the following works in the above paragraph. Subject doer manner action saw object a toy shop. शॉपकीपर a स्मॉल टॉय कार रुचि bought इट आ स्मॉल टॉय कार ठीक है इट का बैकेट देना आप लोगों को उसमें लिखना है स्मॉल क्या है उसके ही ओपन द बॉक्स ही ओपन द बॉक्स ही द कार ही पुट द कार उसके बाद ही द बॉक्स ही ड्रैंक फ्रूट जूस

कि ये सब पीपल्स क्या कर रहे हैं एक एग्जांपल आपके पास दिया गया है करके ओके सबसे पहला क्या दिया गया है जी तो जी इज डांसिंग ये आपको दिया गया है ओके उसके बाद बोला जाता है एच आई जे के एल तो एच इज यहाँ पर एच को देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ पर पेयर के नीचे एच है तो एच सो रहा है एच इज स्लीपिंग उसी प्रकार से क्या है आई आई को यहाँ पर देखिए आई इज जम्पिंग जे ये जे रहा जे क्या कर रहा है जे डांस कर रहा है तो जे इज डांसिंग जे भी डांस कर रहा है उसके बाद के तो के कहा है ये के है तो के क्या कर रहा है ये भाग रहा है के इज रनिंग उसके बाद एल ये एल जो है स्विमिंग कर रहा था एल इज स्विमिंग वो तैर रहा है पानी में तो एल इज स्विमिंग डिस्कस विद योर फ्रेंड्स डू दर्ब एक्शन पास ऑन टू एनी ऑब्जेक्ट नो अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट में वर्ब दिन डॉट पास टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉर्डन इन ट्रांसिटिव वर्ब एग्जाम्पल वर्ब विज डांसिंग विच इज अ कम्प्लीट एक्शन बाई इट सेल्फ एंड डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू रिसीव इट अब द डायरी इस डायरी एंट्री को पा मंडे सेप्टर टें टेन थर्टी पी एम आई वेंट टू मुंबई ऑन अ बिजनेस ट्रिप लास्ट वीक आई रिज द सिटी बाय एयर एंड स्टे इन अ होटल। आई वर्क इन द ऑफिस फॉर अ होल डे इन द इवनिंग आई वर्क टू द बीच एंड सैट देयर फोर अ वाइल आई रिटर्न टू माई होटल लेट एट नाइट आई स्लिप टी एट इन द मॉर्ंग

not intransitive they are verbs of if complete predication and complements to complete their sense she is intelligent intelligent is the complement of verb is अब हम लोग वर्कशीट नंबर फाइव देखते हैं गिवन बिलो इज एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यूली लॉन्च क्रीम Read it and write all the ऑल द in वर्ब्स इन given बिलो with देयर ऑब्जेक्ट Also इन सर्कल द the intransitive verbs. इसे आप लोग खुद पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ठीक है यहाँ पे इसे सर्कल किया गया है ओके आप देखिए हम लोगों हम ने नीचे लिखा एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब्स रिसीवर ऑफ द एक्शन मॉरिशियस स्किन स्किन रिड्यूस minus रिंकल्स prevents डार्किनिंग ऑफ स्किन moisturize skin go nearest medical store remove their cells is there any word of incomplete predication no right here if there are any are in what you are waiting for इस से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेलाइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे किया है तो डिस्क्रिप्शन दिया गया है आप लोग सेकेंड चैनल को भी जरूर से जरूर जरू सब्सक्राइब कर लीजिए अब अक्षित नंबर सिक्स द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड कंप्लीट गिवन बिलो

उथ टेस्ट बर्ड्स प्रोटेक्शन टीथ ठीक है अपने टीथ को प्रोटेक्ट करना है तो आप लोग क्या कीजिए इसको इस टूथपेस्ट को लीजिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है अब वर्कशीट नंबर सेवन हम लोग देखते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ड्राइवर स्टॉप द कार बी द कार स्टॉप सडनली इन द फर्स्टेंस दर्ब स्टॉप ट्रांजिटिवली Stopped what the card. So card is the receiver of the action. However, the same verb stopped has been used intransitively in the second sentence. Here the action stopped does not pass onto any object. Note most verbs can be used both transitively and intransitively. Read the following sentence and write whether the verb has been used intransitively or transitively or intransitively. Write T for transitive and I for intransitive He returned to home To his home T Sorry, I students, I I returned his pen yesterday T Transitively She broke a glass T The old glass broke into pieces I He speaks slowly I I always speak the truth T The door bell rang loudly I Will you please ring the bell? T He opened the he the door opened I He opened the door T He left early in the morning I He left his bag at home T The Titanic sank in the sea I an Indian failure sank the ship T The junkie... sorry the donkey kicked the man T this donkey never kicks. I. Worksheet eight. You have already seen that most verbs can be used transitively and intransitively. However, there are certain verbs which always need an object and therefore cannot be used intransitively. Similarly, the ver verb do not need any object and thus could not, cannot be used transitively. In the box given below, some such strictly intransitively and transitive verbs. have been mixed up sort these verbs out and write them in appropriate columns want come cover build go like like give buy die sleep ठीक है ये सब verbs है अब अलग अलग करना है तो ट्रांजेटिव में आ जाएगा want cover build give buy और इन ट्रांजेटिव में come go fall die lie sleep ओके okay? अब लास्ट सॉरी नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर नाइन

स्लीपी इन ट्रांसिटिव दिव्या ओपन दिन इन ट्रांटिव ही ऑन द फील्डिटिव ही फ्लाई अटिव द काइट फ्लाई हाई इन ट्रांसिटिव ओके अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्कशीट नंबर टेन Object Compliment. In the unit Achievers of My English Reader C7, you have read, Hilary Bass launched a greeting card business named My Mind's Eyes. My Mind's Eyes has earned Hilary an Achievement Award from the Business and Professional Women's Association. A computer program called Equalizer allowed Stephen Hawking to communicate better. Read the above sentence again and find whether the underlined verbs are transitive or intransitive. If the verbs are transitive, encircle the object. Also find out words in the above sentence that tell you more about the object. Remember, words which give an additional information about the object are called <coughs> word complements. Example, she uses her computer to create and package card. हेयर द वर्ड गिवेन इन बोल्ड लेटर गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट कंप्यूटर इस फ्रेंड्स ये जो अचीवर्स चैप्टर आपके इंग्लिश रीडर में है यदि आपने इसका सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखा है तो ये मेरे सेकेंड चैनल पर अपलोड है चैनल का नाम है कलेक्शन ऑफ स्टडी और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा तो आप लोग अचीवर्स का सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा मेरे सेकेंड चैनल में जाकर के Avaxit 11. Look at the given pictures and complete the sentences. I saw him standing at the bus stop. I found a coin on the road. The jury declared, declared him the winner. He painted the house on time. We found the price genuine after the discount. People elected him as an MLA. She gave her book to the man who is sitting in the park. The principal made her to come on the stage. Exercise has made him fit, healthy, and strong. We saw a lady sitting in the platform. All the words have filled in the blanks, provide additional information about the objects, and are therefore objects' complements. The <coughs> Sorry. Do it yourself. Read the following sentences and write transitive for transitive for verbs.

तो लाइक कर दीजिए और यदि तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा अदर सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ है जैसे कि मैथ साइंस सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश ओके उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा कुछ वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और प्ले जो है मेरे चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा जो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन को चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा एंड वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग